तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज होने जा रही फिल्म बच्चन पांडे को लेकर, जिसका क्रेज वर्ल्ड वाइड देखा जा सकता है। इसका क्रेज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कल फाइनली बोलते हैं ना देखा जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड। कल जहाँ पर ये फिल्म रिलीज़ होगी, मुझे लग रहा है काफ़ी बम्पर ओपनिंग लेगी और मैक्सिमम अपने 5-6 दिनों में ये फिल्म भी बजट रिकवर कर लेगी, जो कि बताया जा रहा है 150 करोड़ प्लस। प्रोड्यूस किया है जाने माने बैनर नडेवाला एंड ग्रैंडसन्स ने, तो इसको डायरेक्शन दिया है फराज सामजी ने। लीडिंग में नजर आ रहे हैं एक्टर अक्षय कुमार। इनके अपोजिट फीमेल में नजर आ रही हैं दो एक्ट्रेस, कृति सेनन और जैकलिन फर्नांडिस। और इनके अलावा जो एक्ट्रेस नजर आ रहे हैं वो है गाइज जाने माने अपने अरशद वारसी और पंकज त्रिपाठी। वेल, आपकी फिल्म को लेकर क्या है राय, क्या लगता है जो गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है किस तरह की होगी, इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? अगर मैं अपनी ओपिनियन से कहूँ तो ये फिल्म अभी तक की अक्षय के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म होगी, क्योंकि इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है हर तरफ से। काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं रिलीजिंग से पहले ही, तो ये फिल्म डेफिनेटली अपने पहले दिन 50-60 करोड़ आसानी से कमा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। डाई हार्ट फीलिंग आ रही है अंदर से ही, क्योंकि ये एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है और अक्सर ऐसे कैरेक्टर में आज से पहले कभी नहीं देखे गए। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जो कि वास्तव में मजे आने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा, सीट बेल्ट आपकी बांध लीजिए अगर आप भी डाई हार्ट फैन हो अक्षय कुमार के, क्योंकि अक्षय कुमार पहली बार धूम मचाने आ रहे हैं सिनेमाज में। आए तो काफ़ी बार हैं, 100 से ज़्यादा मूवीज़ आ चुकी हैं इनकी, कहने का मतलब ये है, लेकिन एक गैंगस्टर के तौर पर पहली बार आ रहे हैं। बच्चन पांडे का खौफ देखना वाली बात है यार। वेल, आपकी ओपिनियन जो भी हो फिल्म को लेकर कमेंट में मेंशन करते रहिएगा, और आपके हिसाब से प्रेडिक्शन क्या रहेगा इस फिल्म का, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, कमेंट में बताइएगा बस। और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।